दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम, ब्लड सेंटर और अत्याधुनिक लैब का मिला तोहफा। ललन सिंह के बयान को तेजस्वी का साथ। आज का दिन कटिहार के लिए बेहद खास रहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे लाव लश्कर के साथ अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कटिहार मेडिकल कॉलेज के ब्लड सेंटर और अत्याधुनिक कैथ लैब का भी उद्घाटन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कई विषय पर खुलकर अपनी बातें रखी। सबसे पहले सुनिए उन्होंने डेंगू के बढ़ते कहर पर क्या कहा। बिहार के लिए त्रासदी का दौर भी बताया, क्या तैयारी है बिहार सरकार के पास? हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साफ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए, और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप भी हम लोग जो है, आप देखते होंगे अखबारों में सरकार द्वारा विभाग द्वारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के उस बयान का भी तेजस्वी यादव ने समर्थन किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया कहा था। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहुरूपिया कह रहे हैं, तो राजद किस तरह घुमा के करेंगे क्या? नहीं, आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है, कुछ गलत कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के साथ राजस्व मंत्री भी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने आयोजन के लिए अल करीम यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। न्यूज लाइफ डेस्क, कटिहार।